नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय शास्त्री अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय शास्त्री और फेसबुक पेज डॉक्टर संजय शास्त्री में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे हमारे वास्तु शास्त्र के अनुकूल घर के आगे या पीछे। ये पता है कि हम कोई पौधा लगा करके भी अपने वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर पेड़ के अपना एक रूप, एक रंग, एक सुगंध, एक प्रभाव, उसकी डाली की अपनी प्रभाव, उसका ऊंचाई, छोटाई, ये सब कुछ एक प्रभाव बनाता है। ये जितने भी पौधा होते हैं ये छोटे छोटे वस्तुएं हैं, लेकिन हमारे जीवन में वास्तु दोष पर बड़ा प्रभावकारी होता है। तो अगर आप कुंडली में शनि दोष के कारण प्रभावित है, और यूं समझिए घर में किसी मेंबर का पैर से, पेट से, सिर से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो आपको पता है कि एक छोटा सा पौधा लगा करके भी आप उस घर के मेंबर का बीमारी दूर कर सकते हैं। ये वास्तु शास्त्र में परिचित है। इसलिए हमारे यहाँ पौधे का भी बड़ा महत्व है, चाहे वो कोई भी पौधा। आज हम आपको बात करने वाले हैं एक ऐसा पौधा जो आपके कुंडली में शनि ग्रह के दोष भी दूर करेगा और आपके वास्तु दोष भी दूर करेगा। तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिए कि मैं क्या बेहतर आपके लिए ला सकता हूं और कौन से विषय पर मैं ला सकता हूं। मेरा प्रयास आपके लिए अगले वीडियो में होगा। तो मित्रों, अगर आपको ऐसा लगता है घर आप बना रखे हैं लेकिन घर में मेंबर जो है, जो घर के मुखिया है, वो परेशान है हेल्थ से, उस स्थिति में एक शमी का पौधा आपको लगाना है। और ये शमी का पौधा आपको ऐसे घर के मेन द्वार पर, फ्रंट दरवाजे पर, आपको दरवाजे में, लेकिन जो डायरेक्शन होना चाहिए वो या तो उत्तर दिशा होना चाहिए या पूरब दिशा होना चाहिए, ईस्ट फेस हो डायरेक्शन में हो या नॉर्थ डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में आप एक शमी का पौधा लगाइए। और इस पौधे को लगाने के बाद देखिए, आते जाते उस पौधे का दर्शन आप कर लिया कीजिए, उसके बाद देखिए घर के जो मुखिया है उनमें कितना बड़ा बदलाव आता है हेल्थ से रिलेटेड। और वहां जब आप ये पौधा लगाते हैं तो शमी के पौधा से एक सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होता है जो आपके वास्तु दोष भी दूर करता है। तो आइए, मेरे ऐसे वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। आप सभी को नमस्कार, ओम।